असला बारूद से मतलब फायर करने का फायरिंग रेंज था वो यहाँ से था, यहाँ से भाले वाले बम। तो कहा जाता है कि इनको दो भाई अपने कंधों पे उठा के लाए थे एक एक सीज। अच्छा तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस आज संडे है तो संडे पे एक ब्लॉग तो बनता है, तो आज हम एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे जा रहे हैं जो एक हिस्टोरिकल लोकेशन है। लोकेशन कैसी है तो वो आपको जाके पता चली जाएगा, तो वीडियो में बने रहना। चलो चलते हैं यहाँ से। तो गाइस ये रही अपनी सस्ती सुपर बाइक, गरीबों की सुपर बाइक। ये गाइस तेल खत्म है तो जरा तेल भी भर लें फटाफट से। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी यहाँ से। चलो चलें, थोड़ा इधर आ गए थे हम भी। तो गाइस काफ़ी चलने के बाद बस ये रही अपनी लोकेशन, बस जस्ट ये वाला। तो भाई मौसम तो काफ़ी ख़राब है यार, आज कोहरा कोहरा लग रहा है, फिर भी चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, गाड़ी हमने पार्क कर ली है और ये यहाँ पे चांदपुर गाड़ी, इस जगह का नाम है चांदपुर गाड़ी। तो इसका यहाँ पे गेट आप देख सकते हो, एंट्री गेट। तो चलो यहाँ से अंदर चलते हैं फटाफट और दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये रहा छोटा सा मार्केट, यहाँ पे है अपने नीचे गाड़ी और अपने को जाना है यहाँ ऊपर जहाँ लास्ट पेड़ दिख रहे हैं वहाँ पे। तो गाइस कुछ इस तरीके का ये रास्ता है, यहाँ से ऊपर तक तो पूरी चढ़ाई चढ़ाई है, तो थोड़ा हाइट पे है टेंपल और गाड़ी। तो चलो चलें फटाफट। आज काफ़ी पैदल चलने के बाद यहाँ पे थोड़ा बैठने के लिए मिल चुका है, पर अपन बैठेंगे नहीं। चलो तो गाइस काफ़ी पैदल चलने के बाद सांसें चढ़ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ऊपर आ गए हम पैदल पैदल, जैसे आप देख सकते हो कंटिन्यू चढ़ाई। तो गाइस काफ़ी नज़दीक पहुँचने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं यहाँ पे। तो गाइस पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, जैसा आप देख सकते हो एक्चुअली ये कभी एक किला हुआ करता था, छोटा सा किला। तो डिटेल में तो अभी आपको जब मैं ड्रोन शॉट बनाऊंगा यहाँ पे फिर आपको पता चल जाएगा, ड्रोन शॉट में आप क्लियर देख सकते हैं। अभी ऐसे में दिखने से तो आपको कुछ खास दिख नहीं रहा होगा, पर फिर भी आप देख सकते हो ये है यहाँ का किला। तो चलो देख लेते हैं यहाँ अभी थोड़ा। तो गाइस झंडे को देख के आप समझ रहे होंगे कि यहाँ कितना विंड ब्लास्ट है, जिसकी वजह से थोड़ा माइक में थोड़ा मतलब साउंड का इश्यू चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यही मज़ा है इसका। फिर भी चलो देखते हैं आगे। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे टेंपल बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पहले किला था तो अब उसको पूरा टूट चुका है, तो इसलिए यहाँ पे टेंपल बना। तो भाई ये चीज़ जो है ना, ये क्या इसको मतलब क्या चीज़ है ये? ये बंकर और चेम्बर टाइप की चीज़ है, मतलब ये मान लो जो उस जमाने का असला बारूद था, ये एक टॉप फ्लोर है। टॉप फ्लोर में जो असला बारूद से मतलब फायर करने का फायरिंग रेंज था वो यहाँ से था, यहाँ से भाले वाले बम। पर लग रहा कभी इस चीज की नौबत आई होगी यहाँ पे शूट कर सकते हैं, कभी नौबत आई होगी भाला गोला इन चीजों की? नौबत आए ना आए, वैसे तो भाई जो ये यहाँ के पत्थर है इन पत्थरों या किले काफी थे। पर तो गाइस ये देख लीजिए यहाँ पे कुछ उस जमाने की कलाकृतियाँ, पर उसमें से मुझे समझ नहीं आ रहा ये जो पत्थर है, ये वाले पत्थर ये किस काम आते होंगे भाई? ये किस काम आते होंगे वैसे, किस चीज़ के लिए बनाए होंगे ये पत्थर? इन्हें उस जमाने का टाइल्स कह सकते हैं, ये आकृतियाँ हैं, चाहे आपको जमीन पे लगाओ दीवार पे लगाओ, मतलब एक लुक टाइप की चीज़ है, शो पीस। ओके तो गाइस देख सकते हो आप कितना पुराना ये टेंपल है, मतलब किला गढ़ जो भी बोलते हैं इसको, चांदपुर गढ़ है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो इन पत्थरों को, तो दरअसल ये एक सीढ़ियाँ हैं जो कि मतलब बहुत बड़ी है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, पर ये देखिए ये मेरा हाथ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। पर अब सवाल ये आता है कि इनको यहाँ तक लाया कौन होगा? तो डीसी भाई कौन लाया इनको यहाँ?
मान्यता और कथाओं के हिसाब से तो कहा जाता है कि इनको दो भाई अपने कंधों पे उठा के लाए थे, एक एक सीढ़ी। अच्छा, दो भाई अपने कंधों पे उठा के लाए थे और वो राजा के वंशज से थे। और काफी ये पूरी सीढ़ियां नीचे से ऊपर तक अपने कंधे को उठा के लाए थे। तो अब वो दो भाई शायद उस उधर वाले गांव के थे कहीं, जो मैंने भी सुना था। और दूसरी बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहते हैं कि भाई उन भाइयों को जो है कि इसकी दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिली थी। सुना आपने? पता मैंने तो यही सुना था भाई। और यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ की सुरंग है जहाँ से कि काफी दूर निकलती है, जिसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो गाइस ये रही यहाँ की बाहरी दीवार और यहाँ पे एक सुंदर सा पेड़। तो वैसे अभी तक तो ये आपको देखने में से छोटा लग रहा होगा, लेकिन नहीं भाई, ये इतना छोटा भी नहीं है, काफी बड़ा है। तो चलो आप ड्रोन शॉट दिखाते हैं आपको, फिर आप देखना ये कितना बड़ा है। तो गाइस यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी यार, जो ये ब्लू शर्ट में भैया यहाँ पे खड़े हैं, तो इन्होंने ड्रोन उड़ाने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा यहाँ ड्रोन उड़ाना बिल्कुल मना है, आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर भी हमने जैसे तैसे ड्रोन शॉट बनाए थोड़ा बहुत, तो आप ड्रोन शॉट इन्जॉय कीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था क्योंकि भैया हमारे पास आया कि ड्रोन मत उड़ाओ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो बाल बाल बचा यहाँ पे, ड्रोन नहीं थी, ऑलमोस्ट क्रैश हो ही जाता। ये रहा हमारा किला, जो कि अब कुछ ऐसा हो गया है क्योंकि ये बहुत पुराना किला है। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा ड्रोन शॉट में, राजा कनक पाल के टाइम का किला जो कि पूरा ध्वस्त हो चुका है। जिस तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, चलते हैं घर की तरफ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर यहाँ तक देखिए तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। क्यों दीसी भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।